हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी कक्षा 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे जो आपके परीक्षा में एट गेट से ही पूछे जा रहे हैं। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज हम देखते हैं लेसन 4 3 और सेवियर, इसके क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ऑन आर 2 वर्ड्स, एक और दो शब्दों में इनके उत्तर हमको देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ आर द पीपुल ऑफ उत्तराखंड। आंसर लिख देंगे बच्चों हम, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मोमेंट मेंटिनेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द थ्रीस। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे चिपको और हंग द ट्री थ्री। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ द गिवन वर्ड्स एक्स मैन। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों, एक्स मैन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1-3 सेंटेंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-3 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। तो आंसर लिखेंगे, नॉट टू कट थ्रिस द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनिस्ट बाय द विलेजर टू सेव द फॉरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, द सोही ग्राम स्वराज मंडल द ऑर्गेनाइजेस्ट बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मैसेज स्लोगन साइड बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। आंसर में लिख देंगे, चोप कोप में नॉट द थ्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। अगला है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 5-7 सेंटेंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर 5-7 वाक्यों में लिखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 7 है, राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन चिपको मोमेंट। तो आंसर में लिख देंगे, द चिपको मोमेंट और चिपको आंदोलन वास ए फॉरेस्ट कॉन्सर्वेशन मूवमेंट इंडिया द मूवमेंट ऑर्गेनाइजेस्टेड इन 1973 एट द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड वेंट ऑन टू बी कम ए रेलिंग पॉइंट फॉर मनी फ्यूचर एनवायरमेंट ऑल मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। अब देखेंगे हम असाइनमेंट शीट 2, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1
आर टू वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डू थ्री गिव अस राइट वन आर टू थिंग्स। तो उत्तर लिख देंगे इसका, फूड्स एंड शैडो। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड, आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन इन वन थ्री सेंटेंस। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक से तीन वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हेन द एक्स मैन रिफ्यूज टू गो ब्लैक व्हाट डिड द ब्लेजर्स शेप द ट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर, द पीपुल डिसाइडेड दैट दे बल्ड्स नॉट वुड नॉट लेट द एयर्स एक्सेटेड टच द थ्री ऑन मैटर व्हाट हैपेंड। ऐसा हम लिख देंगे, लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन थ्री, आंसर द फ्लोबिंग क्वेश्चन इन फाइव सेवन सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर पाँच से सात वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ डिड द पीपुल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोस देश। तो यहाँ लिख देंगे, द एग्रीकल्चरल कंपनी ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड इस एवरी हैविनी डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर इट्स एनर्जी सप्लाइज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वुड फोडर फॉर लाइफ स्टॉक एंड अल्टीमेटली सोइल फर्टिलिटी। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे।